रदौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कर्णदेव कांबोज ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक नामांकन दाखिल करने के लिए एक काफिले की शक्ल में पहुंचे। कवरिंग कैंडिडेट के रूप में कांबोज की पत्नी सीता देवी ने भरा नामांकन पत्र। इस मौके पर कर्णदेव कांबोज ने कहा कि बीजेपी 75 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में फूट की वजह से उसका खाता भी नहीं खुलेगा। हमारे ब्यूरो चीफ रमेश सिंह ने रदौर से बीजेपी प्रत्याशी कर्णदेव कांबोज से खास बातचीत किया। ये सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। रदौर हलके से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार कमल खिलाने के लिए इस बार के प्रत्याशी को इंद्री से भेजा है, और खासकर अगर बात करें तो वो इंद्री से भले ही पिछली बार चुनाव लड़े हों लेकिन रहने वाले वो रदौर के ही हैं, और उन्हीं से बात करते हैं। सर, इस बार आपकी विधानसभा को चेंज किया गया, आपकी भी इच्छा थी कि रदौर से लड़ाया जाए और क्योंकि घर भी आपका ही था, तो क्या लगते हैं घर वापसी हुई है और किस तरह का चुनावी माहौल बन रहा है? देखिए, दोनों बातें हैं। मेरी घर वापसी जरूर हुई है, लेकिन जो स्नेह जो प्यार 5 साल तक इंद्री की जनता के दिलों में बना था उसमें भी मुझे मतलब उसका भी थोड़ा कष्ट है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने लोगों ने स्नेह दिया, प्यार दिया, और इतनी अच्छी टीम इंद्री के अंदर हमने बनाई थी, और वो टीम आज जो है ना अपने आप को लाचार से समझ रही है। मैंने उनको समझाया कि भारतीय जनता पार्टी का आप सच्चे सिपाही हो, और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही कभी भी हताश निराश नहीं होता। सब अपने अपने काम में जुट जाओ। सब अपने काम में जो है ना वो जुट गए हैं, और मेरे को यहाँ अपने गृह क्षेत्र में, क्योंकि यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं पढ़ा, और यहीं मेरे काम काज थे, यहीं मेरा परिवार रहता है। मैं आज भी गांव के अंदर रहता हूं, मंत्री होते हुए भी मैंने कभी लालच नहीं किया कि शहर में जाकर के बसने का। आज भी अपने परिवार के साथ मैं गांव में और अपने लोगों के बीच में रहता हूं। तो यहाँ के रदौर के लोगों की भी बड़ी उम्मीद थी। जो रदौर के लोग इंद्री जाते हैं, इंद्री के अंदर जो डेवलपमेंट के काम देखते हैं, विकास के काम देखते हैं, वहाँ की सड़कें चकाचक हैं, तो रदौर के लोग भी चाहते हैं कि हमारी भी ऐसी सड़कें चकाचक सड़कें हमारे यहाँ बने और सभी प्रकार के डेवलपमेंट के काम हो। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो मैं अपने घर में वापसी आया हूँ। सभी अपने पुराने मित्र जो है ना वो इस चुनाव को स्वयं ही लड़ रहे हैं, मेरा तो चेहरा मात्र है। सब कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में जो है ना अपने आप को कैंडिडेट समझ करके वो चुनाव लड़ रहा है। फर्स्ट विजन में क्या देखते हैं कि देखिए, सरकार आपकी रही और आपकी सरकार ने कहा कि हमने समान विकास किया, किसी में भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो बीजेपी का विधायक था या नहीं था, यहाँ पे बीजेपी के विधायक थे। अभी स्थिति क्या देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लगता है कि आपको प्राथमिकता से दूर करने की आवश्यकता है? देखिए, यहाँ हमारे पूर्व में विधायक रहे श्याम सिंह राणा जी ने बहुत डेवलपमेंट के काम कराए हैं, बहुत विकास के काम कराए हैं, नई नई योजनाएं लेकर के हैं। यहाँ कॉलेज बनवाया, यहाँ ITI बनवाई है, यहाँ और अन्य प्रकार के रदौर के अंदर बस स्टैंड, रदौर के अंदर पार्क, रदौर के अंदर स्टेडियम, काफ़ी ऐसे अच्छे काम जो है ना उन्होंने यहाँ करवाए हैं। हर गांव में कुछ ना कुछ ग्रांट के रूप में कोई मैरिज पैलेस बनवा करके डेवलपमेंट के काम कराए हैं, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कों के हालात बड़े निंदनीय हैं, बड़े शोचनीय हैं, क्योंकि ये सारा माइनिंग जोन है, और माइनिंग का जोन होने की वजह से हैवी व्हीकल यहाँ से निकलते हैं, और जिसकी वजह से सड़कें जो है ना बड़ी ख़राब हो रही हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे पहले मैं फर्स्ट राउंड में अपनी जितनी भी सड़कें खराब हैं, क्योंकि चलने के लिए मार्ग सबको सही चाहिए, अपनी सारी सड़कों को जो है ना ठीक कराऊं, और सड़कें ठीक कराने के बाद अपने हलके के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके जो भी यहाँ बुनियादी जरूरतें होंगी उनको पूरा करवाने का भरसक प्रयास करूँगा। पहले उसमें सरकार में तो हमने काम करने के लिए केवल मात्र 3 साल मिले हैं, 1-1.5 साल तो हमारा सीखने में चला गया, और 6 महीने हमारे कभी लोकसभा का चुनाव आ गया, अभी विधानसभा का चुनाव आ गया, बीच में नगर निगम के चुनाव आ गए थे और कुछ पंचायतों के चुनाव आ गए थे। अब तो हमें पूरे 5 के 5 साल जो है ना काम करने को, और हमें अब सीखने की जरूरत नहीं। अब तो हम काम की रेल बना करके और पूरे रदौर हल्के में अच्छे अच्छे काम, जो काम जरूरतें हैं यहाँ, उनको जो है ना पूरा करवाने का काम करेंगे। इस रदौर विधानसभा में एक मंत्री लड़ रहे हैं, दूसरी ओर एक पूर्व विधायक चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस की टिकट पे, क्या लगता है उनके साथ मुकाबला रहेगा या आपको लगता है कि चुनावी परिदृष्टि में वो कहीं नहीं दिखेंगे? देखिए, मुकाबले में कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई मुकाबले में नहीं है, वो तो केवल मात्र दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा। उनके पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई सरकार के
जितना काम इस सरकार ने 5 साल में किया आज तक जो है ना 47 साल का हरियाणा हो गया, 52-53 साल का, 47 साल में इतने आज तक काम कभी नहीं हुए जितने 5 साल में इस सरकार के दौरान हुए।